अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, आई होप यू आर ऑल फाइन टुडे एंड एंजॉयिंग रमदान एट होम। कल हमने फ्रैक्शन पढ़ी थी जिसको हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। आज हमने रेशियो का रिमेनिंग पार्ट देखना है, एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंस, जिसमें हमने ये देखना होता है कि हमारी जो रेशियो में डिजिट होते हैं उसमें से हमारा एंटीसीडेंट कौन सा होता है और कंसीक्वेंट कौन सा होता है। तो आंसर क्या है? इन अ रेशियो ए रेशियो बी द फर्स्ट क्वांटिटी ए इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड बी सेकंड क्वांटिटी कॉल्ड कंसीक्वेंट। इसी तरह से हमने आज अपनी एक्सरसाइज 1.1 को करना है सॉल्व, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। मैंने आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सिखाया था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी कन्वर्ट करना सिखाया था, जिसकी कल हमने प्रैक्टिस की थी परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। आज हमने फ्रैक्शंस टू परसेंटेज कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 3/4 इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जिसका सोल्यूशन हमारे पास है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करते हैं कि जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका क्या आंसर आएगा? 4 को हमने 100 पे डिवाइड किया, 25 आया, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 75%। इसका क्या मतलब हुआ? फ्रैक्शन 3/4 जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो इसका आंसर आएगा 75। इसी तरह से इसी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है 21/4। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया, इसके बाद बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। और क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको सॉल्व करना सिखा रही हूँ, 21/40 ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21/40 मल्टीप्लाई बाय 100%। जब हम 100% डिवाइड करेंगे तो 0 से कटेगा, 10 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा। 21/4 2 से इसको कट करेंगे, 2 1 पे 2 को डिवाइड नहीं कर सकते तो इसका 0 आएगा एंड 2 5 10। देन हमने इसको कट करना है, 2 2 4 2 5 10 2 2 4 1 रिमेनिंग पार्ट है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट लेना है, देन हमारे पास 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 5 10। इसी तरह से आपने बाकी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 9th क्लास आपने रिमेनिंग क्वेश्चंस को वर्कबुक के ऊपर सॉल्व करके ग्रुप में शेयर करना है, और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपने पूछना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।